ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम भी अली भाई पे जो हमला हुआ था, चौथा कातलाना हमला, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अली भाई को अल्लाह ताला ने महफूज रखा और वो बंदा पकड़ा गया। और अब की बार भी पांचवा कातलाना हमला अली भाई पे हुआ है और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अली भाई को महफूज रखा और वो बंदा पकड़ा गया है। तो अभी इसकी डिटेल आना बाकी है कि उस क्या असल मामलात हैं, असल क्या हकायक हैं। तो उसमें आप सब अली भाई के लिए दुआ कीजिएगा और आपने किसी किस्म की परेशानी टेंशन नहीं लेनी अली भाई के हवाले से, क्योंकि अली भाई के साथ अल्लाह की मदद है। आप तमाम भाइयों की, बहन भाइयों की दुआएं हैं और उनके साथ एक टीम है, सिक्योरिटी की टीम है और इंतज़ामिया की तरफ से भी उनको सिक्योरिटी दी गई है, जिसकी वजह से ये जो दुश्मन आते हैं, दुश्मनान इस्लाम जो आते हैं अली भाई पे हमला करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अली भाई की हिफाजत करेंगे। आप भाइयों से दरख्वास्त है कि उनके लिए खुसूसी दुआ करें, क्योंकि जब आपके पास दलील का रास्ता नहीं होता, आपके पास दलील नहीं होती, इल्म नहीं होता, तो आपके पास वहद ये रास्ता होता है कि आप अगले बंदे को इख्तलाफ करने की बजाय, आपके पास कोई उसके बारे में दलील नहीं है तो उसको कत्ल कर दें, कोई भी सजा उसमें आप फतवा लगा के उसको गुस्ताखे रसूल का टैग लगा के कहें कि ये गुस्ताखे रसूल है, उसको आप कत्ल कर दें। अब इसमें भी केस में भी ऐसा ही हुआ है कि बार बार एक झूठे इल्जाम लगा के अली भाई पे हमले किए जा रहे हैं और अब की बार भी अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई को अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। तो इसकी तफसीलात अभी आना बाकी इंशाल्लाह, जब जो ही तफसीलात आएंगी उससे भी आपको हम बताएंगे, इसमें डिटेल देंगे कि असल मामलात क्या हैं। तो आप तमाम भाई उस दरख्वास्त है कि अली भाई की सेहत के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं और आप परेशान हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अली भाई को महफूज रखा है और वो भी पांचवा हमला भी अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो गया और बंदा पकड़ा गया है। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।